हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फायरबेस में कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे सर्च करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम अपनी क्वेरी डालेंगे, और नीचे हमारे पास एक लिस्ट व्यू बिल्डर है जिसके अंदर हम सर्च रिजल्ट को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम फायरबेस का कलेक्शन देख लेते हैं जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फायरबेस कंसोल खोल लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च कलेक्शन है जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर चार फील्ड है। तो पहली फील्ड है नंबर आईडी, जिसके अंदर हमने कुछ रैंडम नंबर्स को स्टोर कराया है। तो यहाँ पर दूसरी फील्ड है नंबर आईडी एरे, तो हमने यहाँ पर इसके एक एक एलिमेंट को स्टोर किया है एंड तक। तो इस फील्ड को हम सर्च के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरी फील्ड है स्ट्रिंग आईडी, इसके अंदर भी हमने कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स को स्टोर किया है। और चौथी फील्ड है हमारे पास स्ट्रिंग आईडी एरे, इसके अंदर हमने जो ये स्ट्रिंग आईडी थी इसके हर एक अल्फ़ाबेट को स्टोर किया है एंड तक, जैसे कि हमने नंबर आईडी एरे में किया था। तो इसे भी हम सर्च के लिए यूज़ करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने फ्लटर ऐप पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी होगी सर्च रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा सर्च रिजल्ट नेम से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट व्यू के आइटम काउंट में सर्च रिजल्ट डॉट लेंथ पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिस्ट स्टाइल के अंदर टाइटल में एक टेक्स्ट पास करेंगे। तो अब इस टेक्स्ट के अंदर हम नंबर आईडी पास करेंगे जो हमें यहाँ से फायरबेस से मिलेगी, और सब टाइटल के अंदर हम स्ट्रिंग आईडी पास करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सर्च रिजल्ट पास कर देंगे, जो सर्च रिजल्ट के हमें इंडेक्स से एक फील्ड मिलेगी जो कि होगी ये नंबर आईडी। तो हम यहाँ पर नंबर आईडी पास कर देंगे। सबटाइटल के अंदर भी हम एक टेक्स्ट पास कर देंगे जिसके अंदर हमें नंबर आईडी की जगह स्ट्रिंग आईडी पास करनी है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग आईडी पास कर दूंगा। अभी फ़िलहाल हमारी लिस्ट एम्प्टी थी तो हमें यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम सर्च करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे सर्च फ्रॉम फायरबेस नेम से। तो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है, और इसके पैरामीटर से हम एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे जो कि क्वेरी होगी जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम उस रिजल्ट को स्टोर कराएंगे जो हमें फायरबेस से मिलेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाकर फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, तो यहाँ पर हम कलेक्शन के अंदर उस कलेक्शन को पास करेंगे जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च पास कर दूंगा क्योंकि हमारे कलेक्शन का नाम सर्च है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर वेयर फंक्शन कॉल करना है। अब वेयर फंक्शन हमें सर्चिंग में हेल्प करता है, तो अब हम वेयर फंक्शन की हेल्प से फायरबेस के कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। तो अब वेयर फंक्शन के अंदर हमें एक फील्ड पास करनी होगी जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को सर्च करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं अभी नंबर आईडी पास कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इज इक्वल टू पैरामीटर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्वेरी पास कर दूंगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो भी क्वेरी यूज़र इनपुट करेगा वो यहाँ पर फायरबेस के अंदर नंबर आईडी से जाके मैच होगी। अगर ये टोटली इसके साथ मैच होती है तो हमें वो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में शो हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गेट फंक्शन को कॉल कर देंगे जिससे कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब उसके बाद हमें इस रिजल्ट को सर्च रिजल्ट के अंदर स्टोर कराना है। पर ये जो रिजल्ट है वो क्वेरी स्नैपशॉट टाइप का है, और जो हमारे सर्च रिजल्ट है वो लिस्ट टाइप का है। तो हम इस रिजल्ट को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर रिजल्ट डॉट डॉक्स डॉट मैप फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टू लिस्ट पास कर देंगे जिससे कि ये रिजल्ट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमें यहाँ पर ये ई मिल रहा है वो क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट टाइप का है। तो इसे मैप स्ट्रिंग डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डॉट डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देंगे जिससे कि हमें स्क्रीन पर चेंजेस शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऑन चेंज पैरामीटर को ओवरराइड करेंगे जो कि एक वॉइड फंक्शन एक्सेप्ट करता है, और हमें यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग भी रिटर्न करता है। तो अब ये वही स्ट्रिंग होगी जो हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर इनपुट करेंगे। तो मैं इस स्ट्रिंग को क्वेरी नेम से एक्सेप्ट करूँगा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सर्च फ्रॉम फायरबेस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो अगर अब हम कुछ भी फायरबेस में सर्च करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें शो हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर इज इक्वल टू पैरामीटर का यूज़ किया है।
तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू डालनी होगी जो कि नंबर आईडी में प्रेजेंट हो, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को डाल के चेक कर लेता हूँ कि हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हम एरे कंटेन सर्च देखेंगे जो कि इससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू इनपुट करके देख लेता हूँ, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। तो अभी हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू टाइप कर रहे हैं तब हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हम सिर्फ 8 टाइप करें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स में 8 हो वो सब यहाँ पर लिस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह एरे कंटेन यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर नंबर आईडी की जगह, जो हमने यहाँ पर ये नंबर आईडी एरे है उसे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर एरे कंटेन पास करने से क्या होगा कि जो भी यूज़र क्वेरी पास करेगा तो फायरबेस उसे इस एरे के अंदर हर एक एलिमेंट से मैच करेगा। तो अगर हमारी क्वेरी इसके किसी भी एलिमेंट से मैच हो जाती है तो हमें वो एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब कुछ सर्च करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 8 टाइप करूँगा तो जिन भी डॉक्यूमेंट में 8 होगा वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे मैं कोई भी रैंडम नंबर टाइप कर देता हूँ जैसे 9, तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स में 8 और 9 होगा वो यहाँ पर अब लिस्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसके बाद 5 टाइप करता हूँ तो जिस भी डॉक्यूमेंट में 8, 9, 5 होगा वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें 8, 9 और 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करता हूँ जैसे 2, 3, तो यहाँ पर 2, 3 से जितने भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने नंबर्स के थ्रू सर्च किया है, तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस स्ट्रिंग आईडी एरे को पास करना होगा नंबर आईडी एरे की जगह। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग आईडी एरे पास कर देता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम स्ट्रिंग पास करता हूँ जैसे कि ए बी, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स ए बी से स्टार्ट हो रहे होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जो ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पर लिस्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से बी को रिमूव कर देता हूँ तो जितने भी एलिमेंट ए से स्टार्ट हो रहे होंगे वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट फायरबेस में सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।